असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज है जी जुमा तो जुमा मुबारक और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान का दूसरा जुमा जो है वो मुबारक हो यहाँ पे जी बच्चे गए हुए थे स्कूल और मैंने जो है ना घर के सारे काम काज जो है वो ख़त्म कर लिए थे तो इसके बाद यहाँ पे साथ में जो है ना टीवी वी टीवी टी वी मैंने नाते वगैरह लगाई हुई थी पहले मैंने सूरत बकरा लगाई रखी फिर मैंने सूरत कहाव सुनी और उसके बाद जो है ना अभी मैं साथ साथ सारे काम काज कर रही थी और साथ साथ यहाँ पर मैंने माशाला जी बहुत खूबसूरत यहाँ पर नाते लगाई हुई हैं जो कि मैं सुन रही थी और वहाँ पे स्त्री आपको नज़र आ रही होगी इसत्री क्योंकि मैंने अभी अभी जो है ना कपड़े आयरन किए हैं जुमे की मैं तैयारी जो है ना माशाल्लाह शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज जुम्मे है और जुमे वाले दिन आपको पता है कि टाइम जो है ना बहुत थोड़ा होता है काम इतने ज़्यादा होते हैं इतना जल्दी दिन गुजर जाता है जिसका जो है ना पता ही नहीं चलता और यहाँ पर अभी कपड़े मैंने आयरन करके अंदर रख दिए हैं बच्चों के आने से पहले पहले मेरा दिल है मैं शावर ले लूँ क्योंकि फिर बच्चे जब आ जाते हैं तो बच्चों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है और बच्चों के चेंज वगैरह करना और उनको खाना वगैरह खिलाना बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है ना इस टाइम पे बड़ा बिज़ी टाइम होता है साथ में जुमे का भी टाइम हो रहा है नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है अच्छा आज जो है ना जुम्मा है तो मैंने यहाँ पर ये वाला सूट जो है इस्त्री किया है अपना और ये है तो गर्मियों का सूट लेकिन आ, मौसम जो है ना कभी सर्द हो रहा है कभी गर्म हो रहा है कुछ पता नहीं चलता और एकदम से जो है ना सर्दी पड़ जाती है और फिर एकदम से ही गर्मी भी जो है वो पड़ जाती है तो कोई पता नहीं चलता अभी मौसम का तो आज थी यहाँ पे ठंड थी हल्की हल्की तो ठंड में जो है ना मैंने इसके साथ जो है ना ऐसे ये जो अपर सा छोटा सा पतला सा है छोटा इतना भी पत आ, मोटा स्टफ नहीं है तो ये जो है ना साथ में मैंने वेयर कर लिया था इसके ऊपर ही क्योंकि मुझे अभी शावर लेने के बाद जो है ना सर्दी फील हो रही थी और बाल भी जो है ना मेरे गीले थे तो बाल जो है ना मैंने यहाँ पर ड्राई कर लिए थे और यहाँ पे बच्चे भी जो है वो स्कूल से आ चुके थे और जो है ना मुझे तंग करने में लगे हुए थे और मैं जो है ना जल्दी जल्दी अपने सारे जो काम थे वो निपटाने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्दी से मेरे सारे काम ख़त्म हो और बच्चों के वो चेंज वग़ैरह मैं करवा दूँ और साथ में इनको जो है ना दिन में खाना भी बना के खिला दूँ फिर उसके बाद जो है ना बैठ के आराम से अपनी नमाज़ इबादत वगैरह जो है जो भी कुछ अल्लाह ताला जो भी जिसको जितनी हिम्मत तोीक दे वो जो है ना इबादत तो लाजमी जो है करनी होती है तो खैर चीज यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह मैंने नया पैकेट खोला है अपने कैचर्स का ये कैचर्स जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजे थे जो कि मैंने पहले आते हुए भी दुबई से ये इस तरह के कैचर्स जो है काफ़ी लाई थी तो कैचर्स आपको पता है कि बहुत जल्दी जो है टूट जाते हैं पता ही नहीं चलता और मेरे जो जितने अगले कैचर्स थे सारे तकरीबन जो है वो ख़त्म हो रहे थे और मेरे कहे बगैर ही उन्होंने मेरे लिए ये कैचर्स भेज दिए थे उनको पता पता था आइडिया होगा उनको कि इसके पास जो है ना अब कैचर जो है ख़त्म होने वाले होंगे और उनको मेरी हर चीज़ का आइडिया भी होता है कि जो है ना अब मेरी ये चीज़ ख़त्म होने वाली होने वाली है या ये चीज़ मेरे पास है या कितनी रह गई है मेरे कहे बगैर ही जो ना नहमदल्ला जी वो मेरी हर चीज़ हर ज़रूरत जो है वो पूरी कर देते हैं अल्लाह तला की तरफ से ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अल्लाह ताली ने जो है ना मुझे ऐसे शोहर ऐसा शोहर जो है वो अता किया है अलहमदल अलहमद अल्लाह ताली बस मुझे बुरी नज़रों से बचाए आज के व्लॉग में जी मैंने अपने हस्बैंड की भी जो माशाल्लाह बहुत तारीफ कर दी और वो तारीफ़ के काबिल हैं तो तभी मैंने उनकी तारीफ़ की है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह और माशा लाजमी आप लोग बोल दीजिएगा कि जो है ना अल्लाह ताला मुझे बुरी नज़रों से बचाए और खैर जी यहाँ पे मैंने अभी आ, सारे अपने काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे और बच्चों को मैंने सोचा कि पहले जो है ना दिन में इनको खाना खिला दूँ आज कल बच्चों को पता है आपको जल्दी छुट्टी हो रही है स्कूल से तो वो जल्दी बारह बजे वो स्कूल से आ जाते हैं तो सुबह नाश्ता इतना ज़्यादा नहीं करके जाते तो इस टाइम पे उन्हें भूख लगी हुई होती है तो फिर मैंने उन्हें जो है ना हैवी सा लंच जो है वो करवा दिया यहाँ पे और आराम से बैठ के जो है ना अपनी मैंने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद जो है ना मैं कुरान पाक की यहाँ पर तिलावत कर रही हूँ वैसे भी जुम्मे वाले दिन जो है ना इस तरह नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत जो लाज़मी करनी चाहिए तो और अब तो खैर से माशाल्लाह से है भी रमज़ान और रमज़ान में अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला से बस यही मैं दुआ और वक्त करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपनी इबादत करने की बहुत ज़्यादा तौफीक दे और और सबको सब, सब मुसलमानों को दे ये नहीं कि हम रोज़े रख के सिर्फ जो है ना अपने मुँह जो है बंद कर लें और इबादत जो अल्लाह इबादत जो है वो ना करें कि हमने जी रोज़ा रखा हुआ है हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो ये है तो ऐसे है तो वैसे हमसे नहीं हो रहा लेकिन जो है ना बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना हमें इस चीज़ की तौफीक कि हम जो है ना उसकी खुल के इस महीने में इबादत कर सकें आमीन अच्छा जी खैर जुम्मे वाले दिन ही ना यहाँ पे मैं जुम्मे के बाद जो है ना अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया था अपनी अम्मी के घर आने का तो भाई को मैंने कॉल की थी भाई लोगों ने मुझे काफी दिनों से बुला रहे थे कि अवतारी पे जो है तुम आओ तो मैं ही उन्हें टाल रही थी कि नहीं मैं अभी नहीं आती क्योंकि मैं रमजान से पहले जो है आई थी लास्ट वीक पे रमज़ान का जो लास्ट वीक था उसमें मैं आई थी और रह कर मैं गई थी तो फिर ना अचानक से भाई लोगों ने मुझे बुला लिया दोबारा से कि नहीं तुम आओ और वीकेंड है बच्चों को छुट्टी है होगी आगे हफ्ता इतवार छुट्टी होती है तो यहाँ पे भाई और भतीजी जो है सॉरी मेरी यहाँ पे मुझे जो है वो लेने के लिए आए थे मुझे और बच्चों को तो बस अब जो अगले नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे वो सारे जो ना आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी वहीं से और यहाँ पे ये जो ये, ये है जी जमेरात वाले दिन अफ्तारी के टाइम पे मैंने यहाँ पे बनाई थी एक बहुत मज़े की रेसिपी तो यहाँ पे सोचा कि आज के व्लॉग में इसको मैं आप लोगों के साथ ऐड करती हूँ और शेयर करती हूँ यहाँ पे मैंने लिया है जी चिकन का कीमा और चिकन के कीमे में टू टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेसन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है बिल्कुल आंच पे मैंने इसको भूना जब इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आई है तब मैंने इसको भुना है और ये है जी लेमन का जूस जो कि मेरे पास फ्रोजन पड़ा हुआ था क्यूब्स में जो मैंने बाहर निकाल के रखा था और ये है आ, देसी घी इसको मैं अभी मेल्ट कर लूँगी और यहाँ पे जी लिया साबुत धनिया कुटी हुई लाल मिर्चें काली मिर्चें सफ़ेद ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और दो टेबल स्पून जो है ना यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों के लिए टू टेबल स्पून ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है फ़्रेश पीसा है और नमक जो है आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा और यहाँ पर तकरीबन मैंने दो दरम्या साइज के प्याज लिए थे उनको मैंने जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया था बिल्कुल जो है ना बारीक सा फाइन सा चॉप आपने कर लेना है और उसको अपने हाथों की मदद से दबा के ना अगर उसके अंदर पानी है तो आप लोगों ने उसको निचोड़ लेना है और यहाँ पर लेमन जूस है वो भी मेरा मेल्ट हो चुका था और देसी जो ना वो मैंने ओवन में रख के वो भी मैंने मेल्ट कर लिया है और बाकी जो, जो ये सारे स्पाइसेस वगैरह हैं वो वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये तो बताना ही मैं भूल गई कि ये मैं बना के आ रही हूँ ये है जी चिकन के सीख कबाब और चिकन के सीख कबाब आप लोग इस मेथड से मेरे मेथड से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और आप लोग यकीन करें कि आपकी फैमिली में जो है ना वाह वाह हो जाएगी और ये सारे जितने मैंने स्पाइसीज़ ऐड किए हैं ये सारे घर के मसाला जाते हैं कोई मैंने एक्स्ट्रा इसमें कोई बाहर की चीज़ जो है वो यूज़ नहीं की सारे घर में ये मसाले जो ना हर वक्त आपके घर में अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर ये जो मेरे पास चिकन का कीमा था ना ये चिकन जब भी आता था ना चिकन तो मैं थोड़ा थोड़ा चिकन जो बोनलेस होता है उसमें से निकाल के साइड पर ती रहती हूँ तो इस तरह से फिर मैं कोई ना कोई जो है ना न्यू रेसिपी या कोई ना कोई डिश जो है बना लेती हूँ तो आप लोग भी इसी तरह किया करें जब आपके घर में चिकन आता है बोनलेस जो बोटियाँ होती हैं वो तो वैसे भी सालन में नहीं खाई जाती तो फिर मैं उनको बोनलेस जो बोटियाँ होती मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं खा खाता कोई भी तो फिर मैं उनको सालर में डालने की बजाय मैं उनको साइड पर रख लेती हूँ तो जब फिर कभी मुझे ज़रूरत हो तो या तो मैं मैक्रोनी में यूज़ कर लेती हूँ उनको या फिर मैं इस तरह से कोई ना कोई न्यू जो कोई ना कोई चीज़ होती है वो मैं बनाती रहती हूँ अच्छा जी यहाँ पे उसके बाद कीमे को मैंने लगाया था जी कोयले का स्मोक दिया था कोयले का धुआं मैंने इसको लगाया था और कोयले का धुआं लगाने के बाद जी अच्छी तरह से इसको मैंने 10 से 15 मिनट रख ही रखा था ताकि जो कोयला कोयले का जो धुआं है वो अच्छी तरह से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद ही यहाँ पर अभी मैंने सीख कबाब को शेप देना शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये यह एक टूल था मेरे पास जो कि मेरे नाइफ्स के सेट के साथ जो है वो आया था तो ये जो है ना सीख कबाब बनाने में बहुत मेरा हेल्पफुल रहता है हमेशा ही तो यहाँ पे माशाल्लाह जी मेरे तकरीबन थोड़े से कीमे से जो है ना तकरीबन दर्जन जो सीख कबाब थे वो बनकर रेडी हो चुके थे और आगे जी मैं आप लोगों को फ्राई करके भी इनको दिखाऊंगी कि ये इतने चीज़ों इतनी थोड़ी सी चीज़ों से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इसके अंदर हालांकि प्याज भी ऐड किया हुआ है प्याज से जो चीज़ होती है वो जल्दी जो है वो टूट जाती है लेकिन जो मेरे सीख कबाब हैं ना आपको कभी भी नहीं टूटे हुए नज़र आएंगे अगर आप लोग मेरे मेथड से ट्राई करेंगे अच्छा जी यहाँ पे साथ में ही की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है अफतारी में आज जी मैं बना रही हूँ दही भले और थोड़े से ही बनाए है। क्योंकि इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते तो बस जितने हमें जो ज़रूरत होती है ना डेली बेस पर मैं फ्रेश बना लेती हूँ तो कभी चना चाट कभी दही भले तो इसलिए जो है ना मुझे बस जितने चाहिए थे मैंने उतने ही जो है ना बस किए थे बनाए थे और यहाँ पर जी सीख कबाब माशा जी बनाने मैंने स्टार्ट कर दी और देखें बिल्कुल बीज ये नहीं टूटे और इतने ये जूसी और फ़्रेश और मज़े के लगे थे कि बिल्कुल आपको बारबी क्यू वाला टच मिलेगा और आप लोग जरूर ज़रूर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा और कोयले के धुएँ ने जो है ना इसको चार चांद लगा दिए थे और यहाँ पे सीख कबाब जो है वो बनकर रेडी हो चुके थे पकोड़े वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिए थे और अफ्तारी का टाइम जो है बिल्कुल बस जी करीब करीब होने वाला है और बहुत जल्दी जल्दी मैंने आज ये सारी रेसिपीज बनाई हैं और जो है ना वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश की है आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है जल्दी से आप लोग मेरे प्लीज़ बन के जो है वो कम्प्लीट करवा दीजिए इस रमज़ान में तो मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ तो यहाँ पे करेंगे जी अपने व्लॉग को एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज